हेलो एवरीवन देखो आवाज़ वगैरह आ रही है सब कुछ ठीक ठाक हाँ चलिए शुरू करें आज मैं डी ट्रिपल एस वी के लिए निकिता बैच आ रहा है बेटा तभी तो मैं आज आपके साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने आई हूँ और डी ट्रिपल एस वी का ट्वेंटी क्वेश्चंस बेटा केक वॉक है केक वॉक मतलब अगर आप मेरे से पढ़े हो या पढ़ रहे हो आपको लगेगा जैसे एकदम मलाई की तरह निकल जाएगा जरा ध्यान से देखना मैं आज 2018 का एक पेपर डिस्कस कर रही हूं और ये छह दस दो का एग्जाम का था दोपहर को साढ़े बारह से ढाई का ट्वेंटी क्वेश्चन है ट्वेंटी मिनट्स में खत्म होगा जरा देखो फर्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम येट अब कौन सा आंसर होगा बताना ही प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम येट ध्यान से सुनना बेटा जब येट का इस्तेमाल होता है ना इसका मतलब फिर भी होता है और फिर भी का मतलब हो गया कि अच्छा से मेहनत किया फिर भी फेल हो गया है ना फेल हो गया क्यों क्योंकि येट बेटा जो आपका रिजल्ट निकलना चाहिए वो एडवर्स रिजल्ट निकल रहा है वो प्रतिकूल रिजल्ट निकलेगा तब येट लगाए हैं ही फेल्ड इन द एग्जाम देखो राइट नेक्स्ट आओ देखो इट इज हाफ पास्ट सेवन डैश माई वॉच बहुत साल पहले मुझे लगता है पंद्रह साल पहले एक लड़का आया था मेरे पास पढ़ने के लिए और यह क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा था और मैंने जवाब सही दिया था खुश होकर एडमिशन ले लिया था कहा था मैडम यह क्वेश्चन मैंने कई से पूछा और सब ने गलत जवाब दिया <coughs> फिर मैंने उसको समझाया भी था कि भाई ये स्पोकन का क्वेश्चन नहीं है स्पोकन में अगर कोई गलत बोल दिया तो कोई बात नहीं यह क्वेश्चन एग्जाम का है बताओ क्या होगा बेटा इट इज हाफ पास्ट सेवन बाई माई वॉच होता है अजीत यादव वेरी गुड बहुत अच्छा क्योंकि घरे में क्या वजह है कहते हैं ना तो वॉट्स द टाइम बाई योर वॉच होता है राइट right, स्टेनोग्राफर के लिए बेटा कोई भी एक बैच ले लो सही चलेगा द बॉयज लिव इन अ कोहेसिव कम्युनिटी कोहेसिव बेटा कोहेसिव वर्ड जो है ना एडहेसिव कोसिव को मतलब लगेगा जैसे कि साथ में हो गया जब तो, कोऑपरेशन होता है कोई आपका कोलीग होता है ना को याद रखो ना ठीक है ना यानी कि साथ में कोहेसिव का मतलब क्लोज यानी बहुत आसपास बुना हुआ जो कहते हैं का मतलब बुना हुआ ठीक है? है यहां सिनोनिम पूछा था कि कोहेसिव कम्युनिटी का मतलब क्या होता है इसका मतलब क्लोज नेट यानी कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल भाई भाई के रिलेशन में ये बच्चे रहते हैं ठीक है समझ में आया नेक्स्ट आओ शी ड मोस्ट ऑफ द वर्क वो मोस्ट ऑफ द काम करती है क्या है क्वेश्चन टैग बेटा आज रात को दस बजे आ, गोल्डन रूल्स में, में क्वेश्चन टैग ही लेके आने वाली हूं ठीक है मस्ट शी ड मोस्ट ऑफ द वर्क डज यानी कि ये क्या है वर्फ का एस ई एस फॉर्म है याद रखना क्वेश्चन टैग में वर्व सेम होगा यानी कि अगर v1 वन एस ई एस है तो बेटा इसका क्वेश्चन टैग में डज एंड शी होगा क्यों डस मतलब वी वन एस ई एस जब भी हम डू लगाएंगे ना ठीक है ना v1 लगाएंगे तो क्वेश्चन टैग में डू होगा हम v1 वन एस ई एस लगाएंगे तो क्वेश्चन टैग में डस होगा और जब हम v2 लगाएंगे तो क्वेश्चन टैग में डिड होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्व यही तो बनता है है ना डजन शी देखो क्लियर नेक्स्ट आओ ये पूछा है विच सेंटेंस ऑफ द बिलो इज ग्रामेटिकली करेक्ट सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा ठीक है पद पूछो तो बताओ तो बेटा रात को दस बजे गोल्डन रूल्स की क्लास है आज और मैं कल सीरियस का क्वेश्चन पेपर लेके आने वाली थी लेकिन अचानक मुझे थोड़ा सा कुछ इश्यू हुआ तो मैं लेके नहीं आ पाई लेकिन 120 क्वेश्चन होते हैं सीरियस में इसलिए मैंने क्या किया केडी लाइफ में नीतू सिंह वो कैब में गोल्डन रूल्स में सब में मैंने सीरियस का पेपर शेयर कर लिया जो सॉल्यूशन मुझे लगा सही है उसके साथ चलो आई प्लान टू वॉच अ ट द टिकट अरे प्लान किया तो ऐसे कहोगे ना आई प्लान टू वॉच अट दिन यह दोनों सही लग रहा है बट आई रीच होम सैड ना भाई ये फिर गलत हो गया बोलना चाह रहा होगा कि मैंने मूवी प्लान करने का निर्णय किया बट मुझे टिकट नहीं मिला और मैं घर बिल्कुल दुखी पहुंचा ये सी यहां पे जो थ्री है यही मुझे लग रहा है जो सही है ना क्योंकि मीनिंगफुल भी तो होना चाहिए कि मैंने मूवी प्लान किया लेकिन टिकट नहीं मिला और मैं घर वापस बहुत दुखी पहुंचा यही बोलना चाहेंगे ठीक है निकिता ऑफलाइन नहीं बेटा ऑनलाइन देखो ना घर में बैठ के पढ़ो बढ़िया से पढ़ा दूंगी मैं द रॉबर्ट टिप टोड टूवर्ड्स द लॉकर रॉबर जो था टिप टोर यानी कि एकदम पैरों की उंगली पर जब चलते हो ना तो टिप टो करते हो ठीक है ना एकदम बहुत धीरे धीरे चलना मतलब धीरे नहीं मतलब बिना आवाज किए चलना टुवर्ड्स द लॉकर लॉकर के तरफ बिल्कुल बिना आवाज किए गया डैश ही अवोक द गार्ड्स मतलब मतलब कौन सा होगा और क्या होगा बताना ऐसा ना हो कि गार्ड्स उठ जाए इसलिए तो धीरे धीरे पैरों की उंगलियों पर चल के गया ऐसा ना हो कि लेस्ट। बेटा लेस्ट का जोड़ा शुड है शुड़ नहीं रहता है तो वर्व का बेस फॉर्म चलता है ठीक है ना लेकिन यहां पे तो सेकंड फॉर्म लगा दिया एनीवे anyway, जो भी क्वेश्चन था इसमें और कोई फिट भी नहीं हो रहा था देखो कोई और फिट भी नहीं हो रहा था दिस टाइम टू इस समय कल आई डैश ऑन द क्रिकेट फील्ड बोलो क्या होगा जीनियस गाय देखो मेरा काम कर रहा है प्लीज इसको आप लाइक तो कर दो बेटा अगर देख रहे हो तो लाइक तो कर दो और कम से कम डी ट्रिपल एस बी वाले अपने ग्रुप्स में तो शेयर कर दो क्योंकि ये मैं पहली बार यहाँ पे ऑनलाइन में डी ट्रिपल एस बी का क्वेश्चन पेपर लेके आ गई हूँ वरना हमेशा क्या होता है पता है जो बच्चे हमारे देते हैं ना वो क्लास में पूछ लेते हैं पाँच मिनट में बीसों क्वेश्चन का आंसर बता के मैं भाग लेती हूँ जल्दी दिस टाइम टूमोरो कल इस समय आई डाश ऑन द क्रिकेट फील्ड भाई कल इस समय में खेल रही होंगी आई विल बी कल इस समय तो बेटा फ्यूचर है ना देखो फ्यूचर ही तो होगा है ना नेक्स्ट आओ ड ही डेंट हैव फॉर्मल एजुकेशन ही वॉज अ जीनियस इन मैथमेटिक्स डाश ही डेंट हैव फॉर्मल एजुकेशन कोई औपचारिक एजुकेशन नहीं हुआ वो मैथमेटिक्स में जीनियस था बोलना चाहोगे हालांकि हालांकि हाला इसका कोई औपचारिक एजुकेशन नहीं था लेकिन फिर भी ये जीनियस था बेटा कौन सा ऐसा है जो हालांकि का फीलिंग दे रहा है बताओ तो कोई बात नहीं ड्रीम्स एसएससी बाद में ले लेना चलो यस टूट्स रोटेला वेरी गुड इवन दो हालांकि उसको कोई भी एजुकेशन प्राप्त नहीं हुआ था फिर भी वो मैथमेटिक्स में जीनियर था विपिन सरस्वत बेटा मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन सीरियस का अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में डाल दिया वहां से ले लो शी इज सेवियर ऑफ द डेस्टिट्यूट जो डेस्टिट्यूट है उसका सेवियर यानी इसको सेव करने वाले बचाने वाले हैं बचाने वाली है वो है ना जो बचाती है सेवियर जैसे मदर टेरेसा की बात करते थे अब बताओ सिनोनिम चाहिए डेस्टिट्यूट का क्या होगा डेस्टिट्यूट का सिनोनिम बताना टारगेट यूपीएस क्या सीडीएस का मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है जाके देख लो फटाफट सर्च गौतम मैंने कहा था फ्लिपकार्ट से मत लेना हुँ? निकिता ऑनलाइन बैच बेटा एक दो दिन में मुझे लगता है आ जाएगा और जिस दिन आएगा मैं आपको बता दूंगी देख रही हूं बेटा निशा प्रजापति देख रही हूं डेस्टिट्यूट yes, का मतलब होता है बेटा जो बहुत ही गरीब हो इम्पावरिस्ट इसका उल्टा यहां दिया है सेकंड में डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बहुत गरीब पेन्यूरियस है ना इम्पावरिस्ट पुअर और क्या पेनीलेस ये सब सिनोनिम करवाए आपको देखो नेक्स्ट आओ माई पपी डिसलाइक्स डैश अ बताओ कौन से चैप्टर से माई पपी डिसलाइक्स डैश अ बात बताओ तो आंसर क्या होगा जल्दी बताना जल्दी से हरीश आप बेटा व्हाट्सएप करके छोड़ दो मुझे मैं अपने आप देख लूंगी ठीक है और सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाती बेटा इसलिए कई बार ऐसा होता है बहुत मैसेज आ जाता है तो आपको सीधा हमारे वहां से कॉल आ जाएगा कॉल uh, सेंटर से यस अभिनीता वेरी गुड बेटा डिसलाइक ऐसा वर्व है जिसके बाद अगर सेकेंड वर्व आए तो वो जेर में आता है और वो लिस्ट में डिसलाइक था जो मैंने आपको पढ़ाया था टेकिंग अ बात ठीक है नेक्स्ट आओ माई ग्रांड पार डैश रिपोर्टेड स्पीच इस सेंटेंस का बनाना है और आप देखो इन चार ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो इसका मीनिंग भी दे और बढ़िया से बना भी दे बताओ तो जल्दी से सनी अगर आप नया बैच चाहते हो तो फोर्टी ले लो और अगर कहोगे नहीं मैम मुझे वीओडी चाहिए तो थर्टी ले लो जल्दी हम्म गोल्डन रूल का क्लास बेटा रात को दस बजे होगा आज मैं क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगी आसान चैप्टर है माई कुछ अपनी वॉकिंग स्टिक के लिए पूछ रहे हैं जिसको लेकर लकड़ी को लेकर चलते हैं वेदर वॉकिंग स्टिक वॉज देयर क्या वॉकिंग स्टिक वॉज हाँ ये मीनिंग दे रहा है कि मेरे ग्रैंड मा ग्रा ने पूछा दादाजी ने पूछा कि उनका चलने वाला जो छड़ी है जो लेके चलते हैं वो कहां है हिज वॉकिंग स्टिक वॉज है ना ये देखो जो सबसे सटीक दे रहा है मीनिंग बट अब वो चाहिए ना राइट right? इलेवेंथ में देखो नेक्स्ट आओ हिज टिमिड नेचर वॉज द कॉज ऑफ हिज फॉल यहां पे एंटोनिम चाहिए टिमिड का एंटोनिम क्या होगा बताओ हुँ? रानी कुमारी मैं लूंगी बेटा एक आध दिन के बाद है ना मैं साढ़े नौ बजे आपके ऐसे ही स्पोकन वगैरह कुछ ले लेके आते रहूंगी बताओ हिज टिमिड नेचर वॉज द कॉज ऑफ हिज फॉल क्या होगा टिमिड टिमिड का मतलब डरपोक बेटा एंटोनिम चाहिए तो उसका एंटोनिम होगा बोल्ड टिमिड का मतलब हुआ डरपोक तो बोल्ड जो होता है वो साहसी होता है ठीक बाल मतलब गंजा जिसका बाल नहीं है ह्यूमिड का मतलब होता है आ, भीगा हुआ उमस भरा है ना हॉट एंड ह्यूमिड यानी उमस भरा ठीक है मतलब सुंदर देखो <coughs> सबका मीनिंग दे दिए और क्वेश्चन पेपर बेटा आसान होता है क्वेश्चन पेपर आसान होता है देखो राइट द वेलफेयर स्कीम किंडल होप अमंगस्ट द डिप्राइव्ड जो वेलफेयर स्कीम था ना उसने जो डिप्राइव्ड थे यानी वंचित लोग थे वंचित यानी जिसके पास कुछ नहीं था ऐसे लोगों के दिलों में क्या होप यानी उम्मीद पैदा कर दिया किंडल मतलब होता है ना प्रज्वलित कर देना पैदा कर देना इसका सिनोनिम यहाँ पे बेटा Ignited इसका मतलब ही होता है जला देना प्रज्वलित ज्व प्रज्वलित कर लेना कर देना यानी पैदा कर देना ठीक है शोर मतलब ऊंचा उठना या उड़ना डेसीमेट बेटा मार देना डेसी मतलब होता है डस तो डेस्टिमेट मतलब दसों की संख्या में भारी संख्या में टू किल ए लार्ज नंबर और रिएक्ट का मतलब तो समझते ही हो है ना क्लियर आ जाओ देखो इग्नाइटेड किंडल्ड और इग्नाइटेड नेक्स्ट आओ इज वेग इन डीलिंग्स अपने डीलिंग्स में बिल्कुल वेग है बेटा वेग का एंटोनी पूछा है क्लियर है वेग मतलब अस्पष्ट आप अगर साफ सुथरा कुछ नहीं बताते हो ना तो कहेंगे यार उसका स्टेटमेंट बहुत वेग होता है इसका मतलब होता है नॉट क्लियर स्पष्ट नहीं रखते हो अस्पष्ट तो उसका उल्टा क्या होगा क्लियर अनवर्धी का मतलब होता है नालायक उस लायक नहीं है देखो क्लियर आसान राइट right? एक एक वर्ड को प्रॉपर डिस्कस करो अब बेटा बहुत आसान है बहुत ही आसान है नेक्स्ट आओ वन ऑफ द ऑप्शन बिलो इज ए कंप्लीट सेंटेंस नीचे दिए गए कोई ऑप्शन एकदम कंप्लीट सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करिए बताओ कौन सा ऑप्शन है जो एक कंप्लीट सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करो तो हम्म नहीं शिल्पा डी ट्रिपल एस बी का पेपर बीच में मैं तीन पेपर डिस्कस करूंगी और इसी टाइम में स्पोकन का भी टाइम लेके आऊंगी क्योंकि दस बजे का क्लास एक दिन नहीं लेते इतना हंगामा हो जाता है क्लास नहीं लिया क्लास नहीं लिया तो मैं गोल्डन रूल्स को बीच में अभी नहीं रोकना चाह रही हूँ साढ़े नौ का क्लास का टाइमिंग जो मेरा रहेगा वो कोई क्वेश्चन पेपर रहे का रहेगा या स्पोकन रहे का रहेगा ठीक है यस द प्लमर फिक्स द टैप टैप मतलब नल नल को जो प्लमर था बेटा प्लंबर नहीं बोलते स्प्लमर ने टैप को ठीक कर दिया यानी नल को ठीक कर दिया अब डॉग इन द कैनल नहीं होगा अगर आप यहां पे इज लगा दोगे तब ये सेंटेंस बन जाएगा पूरा ठीक द डॉग इज इन द कैनल पूरा कंप्लीट सेंटेंस के लिए बेटा आपके पास एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना ही चाहिए और ये इसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है और फिक्स्ड क्या वो भी दिया हुआ है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पूरा है इसमें इसीलिए ये प्रॉपर सेंटेंस है, है ठीक है Next आओ अब ये आ गया हमारा चलिए को पहले मैं आपको समझा दूं और उसके बाद में चलेंगे मोर गर्ल्स आर प्लेइंग हाई स्कूल फुटबॉल इवन एज द स्पोर्ट ड्रॉस फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स ओवरऑल इन एन इंजरी कॉन्शियस एरा कहा है कि ज्यादा लड़कियां फुटबॉल खेल रही है स्कूल में हाई स्कूल में हालांकि ये जो स्पोर्ट है ये जो गेम है फुटबॉल का ड्रॉस फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स ओवरऑल इन एन conscious कॉन्शियस आजकल क्या है ना यार चोट लग जाएगा चेहरा खराब हो जाएगा दाग लग जाएगा इसलिए इंजरी कॉन्शियस हो गया हम लोग बहुत तो हम लोग स्पोर्ट्स में भाग नहीं लेते हैं आजकल के बच्चों की बात कर रहे हैं एज part ऑफ पार्ट ऑफ सुपर बॉल एल इलेवन इन Minneapolis, the National Football League organized its third Women's Summit for Friday. Friday ko third Women's Summit organized kiya gaya kahan uh, National Football League ne organize kiya. Kya karne ke liye? to discuss how football and the broader sports world can continue to support the advancement of women on and off the field. ये डिस्कस करने के लिए कि भाई फील्ड में या फील्ड के बाहर कैसे डिस्कस किया जा सकता है कि महिलाओं के एडवांसमेंट के लिए ठीक है सेड कमरान मुमताज एंड एन, एन एफ एल ये नेशनल फुटबॉल लीग का स्पोक्समैन था जिसने बताया कि भाई हम फील्ड में और फील्ड के बाहर दोनों जगह पे महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं ठीक है संदीप बहुरा कल लूंगी मैं बेटा साढ़े नौ बजे टीजीटी ग्रामर का प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो बेटा आप कोई भी मेरा एक स्पेशल बैच ले लो एम टी एस वर्षा आराम से होगा कोई भी एक बैच ले लो ठीक है सारे बैच में ऑब्जेक्टिव इंग्लिश सेम होता है बेटा यही तो पैसेज हर जगह आता है और क्या आता है द स्पोर्ट्स रिमेन मेल डोमिनेटेड मर्दों के द्वारा डोमिनेटेड स्पोर्ट्स ही है क्योंकि इसमें फुटबॉल में महिलाएं बहुत कम इंटरेस्ट लेती हैं। नेशनल फुटबॉल लीग में कोई महिला खेल नहीं रही है एंड फ्यू ऑन कॉलेज टीम्स और कॉलेज के टीम में बहुत कम एन एफ एल में एक भी महिला नहीं है कॉलेज टीम्स में बहुत कम है बट सम हाई स्कूल गर्ल्स लेकिन कुछ हाई स्कूल गर्ल्स है प्लेइंग ऑन टीम्स ऑफ बॉइज बॉयज के टीम्स में खेल रही है आर गेनिंग अटेंशन फॉर देर अचीवमेंट और लोगों का ध्यान भी जा रहा है इनके तरफ अटेंशन जा रहा है इनके तरफ फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लास्ट फॉल लास्ट फॉल द हाई स्कूल क्वार्टर बैक हॉली नेहर थ्रू अ टच डाउन एक हाई स्कूल की लड़की ने थ्रो किया अ टच डाउन पास इन फ्लोरिडा भाई फ्लोरिडा में उसने थ्रो किया अ टच डाउन पास मेकिंग हेडलाइंस एज द फर्स्ट गर्ल नोन टू डू सो इन स्टेट हिस्ट्री यानी किसी भी तरह का उसने एक फुटबॉल का कोई टर्म है वहां तक वो पहुंच पाई ठीक है मतलब एक अचीवमेंट था उसके लिए आ गया And Kailani Nava a became the first girl in Texas. Texas mein pehli ladki ban gayi to score points in a high school state championship game mein. वहां पे score करने वाली एक पहली महिला बन गई कहां पे Texas में बट आज अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ रिसर्च सजेस्ट लेकिन जो एक ग्रोइंग बॉडी ऑफ रिसर्च बताता है क्या दट यूथ टैकल फुटबॉल इज हार्मुल टू चिल्ड्रेन नॉट एवरी वन इज शियरिंग जो यूथ टैकल कर रहा है जिस फुटबॉल को ना वो चिल्ड्रेन के लिए हार्मुल है क्योंकि ये जो है ना यूथ के लिए है फुटबॉल तो बच्चे जो है उनके ब्रेन ब्रेन पर हार्मफुल इफेक्ट छोड़ता है और हर कोई इसके लिए खुश नहीं है वॉल्यूम वन की वीडियो क्यों हट गए बेटा यह केड़ी लाइव का मैनेजमेंट का डिसीजन था इसलिए तो मैं यहां लेके आई हूं गोल्डन रूल्स हा वरना मुझे शौक चढ़ाता यहां पढ़ाने का एम का क्या शिखा एम टी के लिए कोई भी बैच ले लो बेटा आप वॉल्यूम वन का भी बैच लेकर चला सकते हो नहीं तो कोई वी का बैच ले लो ठीक है गोल्डन रूल्स का क्लास दस बजे होगा ये मैं डी ट्रिपल एस बी का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूं

एन में कोई नहीं खेल रही है कॉलेज में बहुत फ्यू थोड़ा बहुत नाम जो हो रहा हाई स्कूल गर्ल्स का है।, है ना देखो नेक्स्ट द वर्ड फॉल एस यूज इन द पैस मीन्स फॉल कहीं दिखा था मुझे फॉल 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 यहां दिखा था फॉर एग्जाम्पल लास्ट फॉल द हाई स्कूल बैक होली निहर यानी लास्ट फॉल में लास्ट फॉल में लास्ट फॉल में लास्ट फॉल बेटा सीजन होगा कहते हैं ना पिछले सीजन में ये एक टीम जीती थी इस सीजन में ये टीम्स खेल रही है तो बेटा सीजन की बात हो रही है निकिता आप कोई सा भी बैच ले लो एक स्पेशल बैच ले लो उसमें जो टीजीटी के दो तीन चैप्टर्स हो अलग से कराती हूँ मैं पंक्चुएशन आता है आपका क्लॉज आता है फिगर ऑफ स्पीच आता है वो मैं करा दूंगी अलग से ठीक है हु या वॉट इज इंडिकेटिंग दैट द स्पोर्ट इज हार्मफुल फॉर चिल्ड्रंस ब्रेन क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्पोर्ट्स हार्मफुल है चिल्ड्रंस ब्रेन के लिए जरा देखो तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्पोर्ट्स हार्मफुल है ग्रोइंग बॉडी ऑफ रिसर्च बता रहा है कि चिल्ड्रन ब्रेन के लिए ये हार्मफुल है यानी कि रिसर्च बता रहा है देखो रिसर्च बता रहा है है ना ये रिसर्च बता रहा है देख रहे हो यस फाउंडेशन बैच में किसी भी बैच में जा सकते हो एम गुप्ता ठीक है हाँ, यादव जो लिखा हुआ वो लिखा रहेगा और वो आपको भी थोड़ी देर में केड़ी लाइव में गोल्डन रूल्स में सारे में मिल जाएगा आपको ठीक है नेक्स्ट आओ द टू गर्ल्स हु मेड हिस्ट्री रिसेंटली इन फुटबॉल आर फ्रॉम ये फ्लोरिडा एंड टैक्सस मुझे याद है कहाँ से थी दो दोनों लड़कियां देखो तो आ, ये थी टेक्सस से और ये थी कहाँ से फ्लोरिडा से यही तो दो लड़की है जो नाम कमाई है ना एक टैक्सस से और एक फ्लोरिडा से देखो यही तो है बिल्कुल मुझे याद रह गया था देखो टैक्सस एंड फ्लोरिडा हो गया लास्ट क्वेश्चन द कॉज फॉर फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स इन द स्पॉट इज क्यों कम बच्चे कम कम लड़के इसमें पार्टिसिपेट करती है क्योंकि उनको लगता है यार मुंह टूट गया तो फिर शादी कैसे होगी है ना मेरी सुंदरता नष्ट हो जाएगी क्योंकि वो इंजुरी प्रोन गेम है इसमें चोट लगने की संभावना बहुत होती है तो लड़कियां पसंद नहीं करती चोट लगा के अपना मुंह उड़वाना राइट चलो थैंक यू सो मच ये हमारा डी ट्रिपल एस बी का पहला पेपर मैंने डिस्कस किया है मैं अभी और करूँगी पांच मिनट के बाद आ जाना गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में आज मैं कराऊंगी आपको क्वेश्चन टाइम थैंक यू सो मच बाई